हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कस्टर्ड प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्लांट है, ये बकेट है, इसमें हमने कई प्लांट लगा रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा साइप्रस का प्लांट है और ये वाला अनार का है। और दोस्तों ख़ास बात यह है कि हमने इसी पॉट में कुछ दिनों पहले, करीब 3 महीने पहले, इसमें हमने कस्टर्ड एप्पल का सीड जो है इसी तरह डाल दिया था। ये देख सकते हैं आप लोग, कस्टर्ड सीड है। ये कस्टर्ड के जो सीड होते हैं वो काले रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें डाल दिया था और ये हमारा कस्टर्ड एप्पल जो है आज करीब 90 दिनों के बाद ये इसमें सीडलिंग ग्रो हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपॉट करेंगे। तो यह करीब हो गया है 30 दिनों तक का है यह पौधा, तो इसे हम आसानी से किसी दूसरे पॉट में रिपॉट कर सकते हैं। तो चलिए आपको रिपॉट करके दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आपको सीडलिंग लगानी है कस्टर्ड एप्पल की, तो आप कोशिश करें कि यह नवंबर से दिसंबर के मंथ में लगा दें। और इसमें जो फ्रूटिंग होती है वह भी करीब नवंबर से दिसंबर के सीज़न में ही स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यह हमारा प्लांट है कस्टर्ड एप्पल का, और ये हमारे पास नाइफ है। नाइफ की मदद से इस प्लांट को वहाँ से निकालेंगे और इस पॉट में ले आके शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों यह हमारा पुराना पॉट है, इसमें हमने एक प्लांट लगाया हुआ था कैलेंडुला का, तो वह उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो यह प्लांट अब खाली हो चुका है यह पॉट, और हम इसमें इस प्लांट को रिपॉट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यह जो हमारा सॉयल है इसमें हमने कुछ चावल की भूसी मिला रखी है और छोटे छोटे कंकड़ हैं। दोस्तों कंकड़ इसलिए रखे हैं कि जो प्लांट की स्टेबिलिटी होती है वह उनकी हाई हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ से निकालते हैं। हम इस नाइफ की मदद से इस प्लांट को निकालेंगे और इसको रिपॉट करेंगे। तो चलिए हम आपको निकाल के रिपॉट करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये आप लोग देख सकते हैं, इस प्लांट को हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है और यह गिर भी गया है, तो कोई बात नहीं, इसे हम उठा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इनके जो रूट्स हैं ये डैमेज ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों इसको हम सिंपली, आप लोग इसके रूट्स को अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, साइड में रूट्स डेवलप हुई हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस प्लांट को यहाँ पे इस छोटे से पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब आप लोग क्या करिए, सिंपली इसको सॉइल से चारों ओर ढक दीजिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा प्लांट जो है इस गमले में लग गया है। दोस्तों यह बड़ा होने पे करीब 1 या 2 साल के अंदर इसमें फल आ सकते हैं, अगर आप इसमें ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों इसे हमने इस प्लांट पॉट में लगा दिया है, अब इसमें हम वाटरिंग करने वाले हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटरिंग करेंगे और ये हमारा प्लांट रेडी हो गया है कस्टर्ड एप्पल का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड सॉरी फॉर नॉइज़।